ये क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर है 198, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं आपको एग्जांपल 2 एक्सप्लेन करके बताऊंगी। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, आपने पोल देखा होगा ना जिसमें बिजली का तार जाता है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोल है, आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है ना इस तरह का, ये देखिए तार गया है यहाँ से, वायरिंग की गई है पूरी, ये पूरा वायर गया हुआ, ठीक है। तो ये पोल है, इस पोल की हाइट क्या है, 5 मीटर है, ये पूरा जो है 5 मीटर है, ये डी ए पूरा कांच का डी ए, ये पूरा पोल है, इसकी हाइट दी हुई है 5 मीटर। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना है, क्या रिपेयर करना है, इसी पोल में कहीं पर गड़बड़ी हुई है, उसी को रिपेयर करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिशियन क्या कह रहा है, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। कह रहा है कि पोल के टॉप से, जैसे ये पोल है हमारा पूरा, ये डी ए पूरा पोल है, इसका टॉप ये है, इसके टॉप से 1.3 मीटर बिलो, मतलब कि नीचे आइए, यहां से नीचे आएंगे, यहां पर देखिए, यहां से 1.3 नीचे आएंगे तो यहां पर आ रहा है बी पर, तो यहीं पर रिपेयर करना है, ठीक है, इधर ही पर रिपेयरिंग करनी है। तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी यूज्ड That she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। तो ये कह रहा है कि टॉप से 1.3 मीटर बिलो यहाँ पर रिपेयर करना है, तो यहाँ तक जो हम लैडर यूज करेंगे ग्राउंड से, तो लैडर की हाइट हम कितनी लेंगे, उस लैडर की कितनी हाइट होगी कि लैडर यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है, ये हमें निकालना है, मतलब कि, और एंगल कितना बनना है, एंगल बता रहा है 60 डिग्री बनना है, ठीक है, लैडर से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनना, मतलब नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर बनता है। तो यहां पर जो हम लैडर लेंगे उसकी हाइट कितनी होगी, लैडर हम किस तरह से चूज करें, इसकी हाइट कितनी ले कि लैडर जब हम एंगल 60 डिग्री रखें तो लैडर बिल्कुल यहां पॉइंट बी पर ही पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या निकालना, इस लैडर की हाइट निकालनी। और क्या बोल रहा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और हमें ये भी निकालना है कि ये लैडर जो है, हम यहाँ पर ये जो पोल है हमारा, पोल का फुट ये है, तो हम फुट से कितने मीटर अवे रखेंगे लैडर को, यानी कि हमें डीसी भी निकालना है ये, और ये लैडर की हाइट। तो ये जो डीसी बेस जो वैल्यू निकलेगी और ये जो बीसी की जो वैल्यू निकलेगी ना, ये एग्जैक्ट वही वैल्यू होगी, आप उतने ही वैल्यू पर अगर इस लैडर को रखेंगे ना, तो एग्जैक्टली आपका यह लैडर यहीं पर पहुंचेगा, पॉइंट बी पर ही पहुंचेगा। तो हमें क्या निकालना है, डीसी निकालना है और बीसी निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, मैं पहले डायग्राम बना दूं। पहले क्या बोल रहा है, लैडर एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, मैं यहाँ पर वो पोल बना देती हूँ, ये पोल रहा मेरा, अच्छा इस पोल की हाइट क्या बोल रहा है, देखिए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर पूरा यहाँ से है हाइट, ये देखिए ये पूरा 5 मीटर है, ये पूरा, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया, और ये ग्राउंड है क्योंकि ग्राउंड पर ही पोल रहेगा, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये पूरा 5 मीटर हाइट है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, किस कहाँ पे, बिलो द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप, पोल का टॉप क्या, ये है, ये पोल का टॉप है और ये फुट है, तो टॉप से कह रहा है 1.3 मीटर बिलो, नीचे आइए नीचे, ये पहले यहाँ पे मैं नाम दे दूं ए और ये बी, ठीक है, ये पूरा 5 मीटर है, मान लेते हैं कि यहाँ नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है, यहाँ पर ये यहाँ टॉप से 1.3, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1.3 मीटर है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ये इस पॉइंट को मैं बी बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये नीचे हम आ गए, यहाँ पर ही रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ से जो लैडर है यहाँ पर हम सीढ़ी तो ऐसे ही रखाएगा, इंक्लाइन रखाएगा, ठीक है, तो जो एंगल बनना है ना, वो बनना है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये जो लैडर है, इसकी हमें हाइट निकालनी है, ये लैडर है हमारा, इसकी हाइट निकालनी है, और ये भी हमें निकालना है कि ये जो सीढ़ी है, हम इसको पोल के फुट से कितना मीटर दूर रखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो इस पॉइंट पर लैडर जो है हमारा पहुंच जाए, यानी कि हमें ये भी निकालना है। मैं इसका पॉइंट सी रख देती हूँ, ये बी हो गया, ये सी हो गया, हमें ये भी निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है, इसको मैं बोल देती हूँ ये बी सी ही रहेगा हमारा, इसको चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, एच निकालना है और एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे इसको निकालेंगे, ये देखिए ये पूरी हाइट दी हुई है 5 मीटर, ठीक है, ये पूरा 5 है और ये इतना क्या है 1.3 है, तो ये इतना 5 है, ये 1.3, तो ये कितना होगा, जस्ट 5 में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम ये मेरा सॉरी डी है, ये डी पॉइंट, ठीक है। तो ये बी डी कितना होगा, बी डी जो होगा हमारा वो क्या होगा, ए डी में से हम ए बी माइनस कर दे, ए डी माइनस ए बी, तो हमारा ये बी डी निकल जाएगा, ठीक है। तो ए डी कितना है हमारा, 5 है, माइनस ए बी कितना है, देखिए आप ए बी 1.3 है,
तो ये 1.3 इसको माइनस कर लेते हैं हम, तो 5.0 और माइनस कितना करना 1.3, तो 10 में से 3 गया 7 बचा, और यहाँ पे बचा 10 में से 3 गया 7 और ये 4 में से बन गया 3, यानी कि आ रहा है 3.7 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस BD, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 3.7। ठीक है, ये आ रहा है, तो देखिए 3.7 हमें ये पता चल गया है, और हमें ये निकालना और ये निकालना। ठीक है, तो देखिए एक वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं नीचे वाले का। तो देखिए ये एंगल कितना बनना है, 60 बनना है, तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि पोल वर्टिकली है, तो ये 90 डिग्री बनना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तब तो ये परपेंडिकुलर होगा हमारा, और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो आप हमको ये वैल्यू निकालनी है, नीचे बेस ये निकालना है, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर दिया बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला जो फॉर्मूला है वो किस में लगता है, टैन में लगता है, क्योंकि टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम टैन 60 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, टैन 60 इक्वल टू, टैन 60 क्या होता है, पहले तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, टैन 60 से परपेंडिकुलर ये है बीडी, और बेस क्या है डीसी, यानी कि बीडी अपॉन डीसी होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बीडी अपॉन डीसी, यही होगा, आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर बीडी है, बेस ये है, तो बीडी कितना दिया हुआ 3.7, और डीसी क्या है एक्स मैंने माना है, तो ये 3.7 यहाँ मैं लिख देती हूँ 3.7 अपॉन एक्स। ठीक है, और टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है रूट 3 इसकल टू, और ये कितना 3.7 अपॉन एक्स, ये है हमारे पास। ठीक है, इसको अपॉन 1 कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3x, फिर ये इजकल टू लगा दीजिए, फिर ये कितना दिया हुआ 3.7 दिया हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू केवल हमें चाहिए x, तो ये रूट 3 क्या हो जाएगा 3.7 अपॉन ये रूट 3 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x हम किसको माने थे, x हमने माना था ये dc को। ठीक है, तो x है हमें dc निकालना था, जो कि x है वो कितना आया 3.7 अपॉन रूट 3। इसको हम और अच्छे से इसको क्या करेंगे, अब डिनोमीटर को रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइजेशन डिनोमीटर को रेशनलाइज करने का जो तरीका है वो तो आपने 9th पढ़ा था, इसमें कैसे करेंगे, जैसे ये अपॉन रूट 3 है ना, तो रूट 3 से ही ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों में इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.7 रूट 3 हो जाएगा, ये से इंटू हो जाएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से 3 निकल आएगा। तो ये मीटर, ये कितना आया डीसी हमारा, ये हमारा बेस आया, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे हाइट। ठीक है, अच्छा अब ये हाइट की हाइपोटेनस है, अच्छा यहाँ पर वैल्यू इसकी दी हुई है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमें ये निकालना हाइट, और हाइट क्या है, हाइपोटेनस है ये, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है किसका फॉर्मूला लगता है हमारा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला हमारा लगता है साइन 60 का। ठीक है, साइन किस, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन 60 हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बीडी है, तो आप यहाँ पर बीडी लिख दीजिए अपॉन, और हाइपोटेनस क्या है, बीसी, क्योंकि हाइपोटेनस ही हमें निकालना है, जो कि एच मैंने माना है, ये बीसी हो गया हमारा हाइपोटेनस, तो यहाँ पर आप बीसी लिख दीजिए, और बीडी कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं 3.7 है ये, तो यहाँ पर 3.7 अपॉन, और ये देखिए हाइपोटेनस कितना दिया है, इसको हमने एच माना है, यहाँ पर आप इसको एच लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और साइन 60 किसके बराबर होता है, साइन 60 की वैल्यू जो होती है आप याद कर लीजिएगा, ये रूट 3/2 के बराबर होता है। ठीक है, इसकल टू, और ये कितना है 3.7 अपॉन एच। ठीक है, हमें एच की वैल्यू चाहिए, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस में रूट 3 से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 3 एच। ठीक है, इसकल टू 2 से ये इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 3.7, ये हो गया हमारे पास। तो हमें h की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है 2 × 3.7, ठीक है ये है अपॉन ये रूट 3 क्या है इंटू में है, यहाँ पर चला आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इसको इंटू कर लीजिए 2 को इससे, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6 और कैरी 7.4 अपॉन रूट 3। और क्योंकि देखिए यहाँ पर सब मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये सब भी मीटर में ही आएगा, तो ये जो हाइट आई है ये हमारी मीटर में रहेगी, यूनिट आपको लिखना है। ठीक है, ये एच क्या बता रहा है, लैडर की हाइट, यानी कि लैडर जो है हम इतना मीटर लेंगे। ठीक है, इतना मीटर हम लेंगे, और ये पोल के फुट से कितने मीटर अभी लेंगे हम इस लैडर को रखेंगे वो यहाँ पर देखिए ये, तो ये आप वैल्यू के वैल्यू लेकर के अगर आप रखेंगे तो एग्जैक्टली आपका लैडर इसी पॉइंट पर आएगा आपका। ठीक है।